अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। देखो अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन तो डे इन डे आउट, दिन में भी होता है रात में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है, सनलाइट होती है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देखो यही बताया जा रहा आपको। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ये हमने पढ़ा था। प्लांट क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। प्लांट में क्या होता है, जो ये एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब देखो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एट नाइट। देखो क्या क्या नहीं से दैट एट नाइट तो सिर्फ रेस्पिरेशन ही होगा ना, रात के टाइम में क्या होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। और नाइट में प्लांट्स में होता क्या है, देखो एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग। यानी कि एलिमिनेशन का मतलब प्लांट जो होता है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम। समझ आ रहा, रात के टाइम क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दिन के टाइम में बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस उनकी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये समझ में आ रहा है? अब देखो दिन में है क्या, रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा ज्यादा होने की वजह से रिलीज भी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लेकिन इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा रहता है। तो नेट इफेक्ट अगर निकाला जाए इसका तो क्या होता है इसमें, कि कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्सहेल किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, जो उस प्रोसेस में बनती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। अब ऐसे समझो कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट में वो रिलीज करने की बजाय कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये समझ आ रही है बात? ठीक है, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज, तो डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं विच इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन के टाइम में क्या होता है, मेजर इवेंट होता है। तो जो चीज मैंने आपको बताई वो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक नोट्स में क्लैरिफाई करूं, तो देखो मैंने आपको ये समझाया आपको अभी, प्लांट्स टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ये क्लियर हो गया किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस। एट नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, हेंस दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और देखो ऑक्सीजन का इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो अपनी बात करो चाहे प्लांट्स की बात। प्लांट में भी रेस्पिरेशन इसी तरह से होता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देयरफॉर इट इज सेड दैट ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट इज वाइस वर्सा। तो प्लांट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी बोलो। सर है।